लेते क्या नाम लिखते हो? झुमका भाई। झुमका भाई नाम लिखते हो, चलो ठीक है। कहाँ का रहना है आंटी जी आपका? खंडवा जिला का। खंडवा जिला। खंडवा जिला का। हाँ। किस गांव में रहते हो आप? घिमारिया गुलाई। घिमारिया गुलाई आपके गांव का नाम? हाँ। चलो ठीक है। तो ये जो आप एटीएम नाम की दवाई जो हमारे पास से ली है, हाँ। तो आपको पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले मेरा हाथ दुखता थी नहीं। अच्छा। हाँ। ये वाला हाथ आपका दुखता था? हाँ, हाँ। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम थी? बस सही नहीं हाथ का। और ये हाथ मतलब ऐसा ये नहीं होता था? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो इसके पहले आपने इसका इलाज कराया कहीं? बहुत इलाज कराया। बहुत इलाज कराया, चलो ठीक है। तो आराम नहीं लगा आंटी जी आपको? नहीं। अच्छा, और इसमें फिर आपने काफी पैसा भी खर्च किया होगा? हाँ। चलो ठीक है। तो ये आपने एटीएम लिया 3500 रुपए का? हाँ। तो इसको आप कितने दिन से यूज कर रहे हो? एक महीना हो गया। हाँ। तो अभी आपको आराम है इसमें कि नहीं है? आराम से नहीं। आराम है? हाँ। चलो ठीक है। तो अभी कितना आराम है इसमें? जैसे अभी हाथ ऐसा घूम के हो रहा है, काम कर रहा है? पहले आसो जरूरत थी, अभी आसो भी चाहिए। मतलब कि हाथ पहले काम नहीं करता था, अब काम करने लग गया। चलो ठीक है। तो क्या ये दवाई से आपको फायदा हुआ है? फायदा हुआ जब तो पी रहे। अच्छा, फायदा हुआ जब भी पी रहे। चलो ठीक है। क्या लगता है ये दवाई और लोगों ने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए, उनको भी फायदा होगा तो बढ़िया है। और क्या आप इस दवाई के बारे में किसी और को बताना चाहोगे? क्यों बताना चाहोगे? कि भाई इन दवा से आराम छे। आराम छे? हाँ, तुम पीरा खाए। हाँ, चलो ठीक है। तो ये कोई दवाई नहीं है आंटी जी, ये न्यूट्रिशन पैक है, ठीक है। और आप इसे दवाई बोल सकते हो, लेकिन ये दवाई नहीं, न्यूट्रिशन पैक है, जिससे कि इससे फायदा होता है ना। तो बढ़िया है, धन्यवाद आंटी।